क्या कर रहे हैं आप? क्यों भाभी जी, क्या खिला रहे हैं आप उसे? इसके लिए दवा खिला रहा ताकि जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाए या कभी ठीक ही ना हो, मतलब मुझे पता आप उसे जहर दे रहे हैं। हाँ पूनम, कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा सुनो ना, हमें काम था, हमने तुम्हें एक लिस्ट भेजी है दवाइयों की, जरा हमें पता करके बताओगी कि वो दवाइयाँ किस लिए यूज की जाती हैं? नहीं ऐसे ही पूछ रहे हैं बस। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ पता किया तुमने? अच्छा ये सही दवाई नहीं है, इतना बुरा असर होता है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और हमारी तरफ से अपने पति को भी शुक्रिया कहना। हाँ ठीक है, हम ना अभी रखते हैं तुमसे, बाद में आराम से बात करेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक दीमक है दीमक, जो इतने दिन से इसी घर में रह रहे हैं और इस घर को खोखला किए जा रहे हैं। देखिए वो कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरे पास इस बात का पूरा प्रूफ है, ये देखिए। भाई तू टेंशन ना ले, बुढ़ा तो हमेशा सोया ही रहता है, और राजेश का होना और ना होना बराबर ही है। कौन? निर्मला। निर्मला भाभी नहीं है, अब वो मेरी आइटम है, आइटम समझा। अब हमारे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं, अब ये सारा जायदाद मेरा है, मेरा। अभी तेरा भाई राज करेगा उस पर। अच्छा सुन, अभी मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं, चल बाय। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं रंजेश सिंह इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं निर्मला की। जन्म लेते समय में किसी भी नवजात बच्ची को कहाँ मालूम होता है कि वो किस घर में जन्म ले रही है, उसके सामने दिखने वाले ये लोग क्या लगते हैं। कोई उसे पिता के रूप में पुचकारता है तो कोई भाई के रूप में ढेर सारा दुलार करता है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, उसे नए रिश्तों से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। हमारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ। आज निर्मला का ससुराल में पहला दिन था और वो इंतजार कर रही थी अपने पति से मिलने का। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, क्या हालचाल वहाँ का? माँ सब ठीक है यहाँ पे, मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पिताजी कहाँ हैं, कैसे हैं वो? यहाँ सब ठीक है, पिताजी यहीं गए होंगे, हिसाब किताब में लगे होंगे। अच्छा उनसे कहो थोड़ा आराम कर लें, थक गए होंगे, इतने दिनों से काम में ही तो लगे थे। कितनी बार तो बोला मैंने कि थोड़ा आराम कर लो, अब तो बेटी भी विदा हो गई। निर्मला, ससुराल वाले कैसे हैं और राजेश बाबू कहाँ हैं? माँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, और उनसे तो अभी मैं मिली नहीं हूँ, मैं अपने कमरे में ही हूँ। अच्छा, और घर कैसा है? ये तो जब देखने गए थे तो बताते थे कि बहुत अच्छा घर है। हाँ माँ, घर तो बहुत बड़ा है, सब कुछ है, और आपको पता है एसी भी लगा है यहाँ पे, कमरा एकदम ठंडा हो रहा है। ऊपर वाले की कृपा है, बस कि हम गरीब की बेटी एक अच्छे घर में चली गई, गंगा नहा लिए हम लोग तो। बस बेटा तुम अच्छे से रहना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। माँ लगता है कोई गेट पे आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
अपना ख्याल रखना हा, और राजेश बाबू को हमारा आशीर्वाद देना। हाँ माँ, ठीक है, नमस्ते। सिस्टर्स भी ना बहुत परेशान करती है। शिट। मेरा नाम राजेश, आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम क्या है? निर्मला। बहुत अच्छा नाम है, तुम यही मेरे साथ रहोगी ना? बाबूजी ने बताया था। मैं बहुत थक गया, मुझे सोना है। हेलो, पता नहीं क्या मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ? आप मुझे ये बताइए कि आपने शादी से पहले इनके बारे में पता तो किया था ना? हाँ बच्चा, तुम्हारे बाबूजी ने सब पता कर लिया था। अच्छा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या? इनका इनका व्यवहार बहुत ही अजीब सा है। हाँ, पर तू ऐसे सवाल क्यों कर रही है? सब ठीक है ना निर्मला? ज्यादा सोचो मत, ऊपर वाले ने हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है तुम्हें। माँ, पर ना हम गरीब की बेटी तो कहाँ जाती ऐसे घर में। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। अरे बहुत सीधे और भोले हैं वो। अपना ख्याल रखना और राजेश बाबू को हमारा आशीर्वाद देना। माँ, बात तो सुनो मेरी। माँ। ठीक है बेटा। माँ।
अरे नहीं 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 वो अरे ये क्या हो गया? पप्पू ने मेरे पैसे छीन लिए। अरे भाभी उसको बच्चों के साथ खेलने मत दीजिए, इसे परेशान करते हैं और इसे पैसे छीन लेते हैं। और आप? अरे नीलू ये हमारे लक्ष्मण भैया यही मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे बेस्ट भैया। वो एक्चुअली आपको कभी देखा नहीं ना? हाँ वो शादी में आ नहीं पाया, जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, आज ही गांव से वापस आया। अच्छा अच्छा, ज्यादा चोट नहीं है, मैं पट्टी कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। जी। और आप बैठिए ना प्लीज। हाँ हाँ दवा लेकर मैं बैठता हूँ। खाने की खुशबू, भाभी जब कमाल का खाना पकाते हो, भूख बढ़ा देते हो बिल्कुल, तो जल्दी लेके आइए। अरे जल्दी लेके आओ खाना। हाँ ला रही हूँ। थैंक यू। अरे बापूजी कहाँ है? वो खाने पे नहीं आए? वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें कमरे में ही खाना दे दिया। ओके ओके, दाल चावल अच्छा लगता है मुझे। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, आप भी हमारे साथ खाइए। नहीं नहीं आप तो खाइए, मैं बात ओ राजेश बाबू समझाइए बाबू जी को, बैठ के हमारे साथ खाना खाए। हाँ नहीं लो, तुम भी बैठ जाओ ना खाने के लिए। बैठो बैठो। कमाल का। अब अपना थाली लाइए तुम। मैं लाती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिए यार। भाई तू बहुत लकी है यार। मेरी नई दोस्त है। अरे राजेश आज फिर तुमने दवा नहीं ली? सॉरी भैया। सॉरी वाली कुछ नहीं, ये लो दवा लो, ये मोबाइल लो, चलो। ओहो कैसी दवा है ये? अरे भाभी जी ये राजेश की बचपन से ये दवा चल रही है। बाहू जी चल फिर नहीं सकते और ये बच्चा ठहरा, इसलिए इसका ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। कितने अच्छे हैं ना, घर में सभी लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। अरे भाभी जी आप तो शर्मिंदा करने लगी मुझे। और ये दूसरी दवा, ये आखिरी आखिरी आई। फोन 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 चलिए आप लोग बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। हाँ ठीक।
अरे भाभी जी आप कौन है? वो मैं अभी आई, आपको बोल रही थी कि नाश्ता रेडी है, आप आ जाइए। चलिए ठीक है, आप चलिए, मैं नहा के आता हूँ। वाह क्या खुशबू, क्या बना रही हैं भाभी जी? आपका फेवरेट सब्जी। अच्छा, अरे वाह, वैसे आपको कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट सब्जी? बस पता चल गया। अरे बताइए ना। वो हमने बाबूजी से पूछा था। क्या बात है, मेरी पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। वैसे बिहार में ना इस सब्जी की बहुत डिमांड है हमारी। लक्ष्मण भैया आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ जाने ढूंढा। अरे यार मैं तो देखने आया था कि आज खाने में क्या बन रहा है। अरे वो सब छोड़ो, मेरे साथ क्रिकेट खेलने चलो। चलो हाँ चल ठीक है, चलता हूँ। हेलो, हाँ पूनम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा सुनो ना, हमें काम था। बहुत हुआ खेलना, अब दवा खाओ। देखो मैंने सिर्फ तुम्हारी बारी है। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ भाभी जी, क्या खिला रहे हैं आप उसे? इसके लिए दवा खिला रहा ताकि जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाए या कभी ठीक ही ना हो। मतलब मुझे पता आप उसे जहर दे रहे हैं। हाँ पूनम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा सुनो ना, हमें काम था, हमने तुम्हें एक लिस्ट भेजी है दवाइयों की, जरा हमें पता करके बताओगी कि वो दवाइयाँ किस लिए यूज की जाती हैं? नहीं ऐसे ही पूछ रहे हैं बस। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ पता किया तुमने? अच्छा ये सही दवाई नहीं है, इतना बुरा असर होता है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और हमारी तरफ से अपने पति को भी शुक्रिया कहना। हाँ ठीक है, हम ना अभी रखते हैं तुमसे, बाद में आराम से बात करेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक दीमक है दीमक, जो इतने दिन से इसी घर में रह रहे हैं और इस घर को खोखला किए जा रहे हैं।
देखिए वो कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरे पास इस बात का पूरा प्रूफ है, ये देखिए। भाई तू टेंशन ना ले, बुढ़ा तो हमेशा सोया ही रहता है, और राजेश का होना और ना होना बराबर ही है। कौन? निर्मला। निर्मला भाभी नहीं है, अब वो मेरी आइटम है, आइटम समझा। अब हमारे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं, अब ये सारा जायदाद मेरा है, मेरा। अभी तेरा भाई राज करेगा उस पर। अच्छा सुन, अभी मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं, चल बाय। लक्ष्मण निर्मला के अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता था ताकि वो अपनी हवस मिटा सके। राजेश उसे अपना भाई समझता था, लेकिन वो एक दरिंदा था जो उसके परिवार को जड़ समेत खत्म कर देना चाहता था। निर्मला कुछ समय के लिए लक्ष्मण की बातों में आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसे लक्ष्मण की सच्चाई पता चली, उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। हेलो जी, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो आपका नंबर हमारी सहेली पूनम ने हमें दिया है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पूनम ने हमें बताया था आपके केस के बारे में। देखिए आप एक काम कीजिए, ऐसे तो हम किसी इंसान पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, तो आप उनका एक वीडियो बनाइए या उन्हें उनका कोई प्रूफ निकालिए, तभी हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। एक बार हमें प्रूफ मिल गया तो हम कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। तो अगर हम आपको वीडियो बना के देते हैं तो फिर आप उन्हें पकड़ लेंगे ना? बिल्कुल पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे। आप हमें एक दो दिन का समय दीजिए, हम आपको वीडियो बना के देते हैं। धन्यवाद। छोड़ दीजिए आप उसे। घंटा छोड़ दीजिए। क्या ये क्या कर रहे हैं आप? बाप बेटो का मैं नौकर होते हैं। लक्ष्मण क्या तो फेंक दो, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या तो फेंक दो, प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर, ये तो हमारी ड्यूटी है मैडम। चल अब ठीक है ना? हाँ वो गए। गलती निर्मला की नहीं थी। अक्सर हमारे सामने में जो लोग होते हैं, दरअसल पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। दोस्तों निर्मला ने भी यही किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, जब तक जरूरत ना पड़े घर से बाहर ना निकले। जय हिंद।